जय हिंद दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल और जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं नेपाल सीरीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ नेपाल के जो रेलवे स्टेशन है उसको और जैसे कि आपको पता है कि 8 दिसंबर से ट्रेन नेपाली ट्रेन दोबारा से ट्रैक पे दौड़ेगी तो इसी बीच हम जितने भी रेलवे स्टेशन है ना सारे रेलवे स्टेशन जो फर्स्ट फेज में कम्प्लीट हुआ है जयनगर जाना टू जनकपुर कुर्था उसके बीच में पड़ने वाली सारी रेलवे स्टेशन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या है सारी कमियाँ दिखाई तो इसी बीच आज मैं आया हूँ परवाहा रेलवे स्टेशन पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रहा परवाहा इस पर मैंसन है परवाहा रेलवे तो स्टेशन पे और आपको दिखाएंगे कि परवाहा रेलवे स्टेशन पे सुविधा क्या है क्योंकि ट्रेन तो आठ तारीख से चलेगी और रेलवे स्टेशन आप मेरे पीछे देख ही सकते हो यहाँ से वहाँ तक शो हो रहा है रेलवे स्टेशन तो अच्छा है और इस साइड भी हो रहा है साइड भी दिखा रहा हूँ पूरा ओपन रेलवे स्टेशन है और टिकट घर ये है टिकट घर तो इसको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ टिकट घर और पब्लिक वेटिंग की क्या सुविधा है तो मिलते हैं बैक कैमरा पे तो ये परवा रेलवे स्टेशन का एग्जिट गेट है अगर आप प्लेटफॉर्म साइड से बाहर जाओगे तो मैं पहले प्लेटफॉर्म साइड हूँ आप देख सकते हो ये रहा प्लेटफॉर्म और इसकी हालत आप देख सकते हो इसको पूरा तोड़ फोड़ दिया गया आप देख सकते हो ये जो ग्रिल है इसको तोड़ दिया गया है और ये टिकट काउंटर यहाँ पे होने वाला था आप देख सकते हो वो दिख रही है आपको होल्ड तो यहाँ पे टिकट काउंटर होने वाला था और इसको तोड़ फोड़ दिया गया पूरा आप देख सकते हो और इस साइड भी एक इसका गेट है इधर से अरे गेट नहीं वो खिड़की है उसको भी पूरा तोड़ उड़ दिया गया है कुछ है ही नहीं और अंदर चल के दिखाते हैं आपको पब्लिक वेटिंग हॉल कैसा है इसका तो मैं ये अंदर आ गया हूँ और ये पब्लिक वेटिंग हॉल है आप देख सकते हो कितना गंदा एरिया है एरिया देखो आप पहले कितना गंदगी है यहाँ पे और यहाँ पे फैन लाइट्स जो भी लगा हुआ था शायद सबको तोड़ फोड़ के ले गया, गया आप देख सकते हो देखो ये दीवार में क्या कर दिया गया यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाइपिंग आपको दिख रहा होगा पाइपिंग हुआ था पूरा तोड़ तार के ले गया खिड़की तोड़ दिया तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ बचा नहीं है कहने का मतलब और ये देखो ये इसका मेन एंट्री गेट है इधर से आओगे साइड अगर इस जहाँ भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आएगा तो इधर से आएगा ये इसका एंट्री गेट है और ये टिकट काउंटर की हालत तो ऐसी है तो गाय जो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एक ही नंबर प्लेटफॉर्म है नंबर ऑफ़ ट्रैक्स एक ही आप मेरे पीछे देख सकते हो ये दिख रहा होगा ट्रैक्स एक ही है और सिग्नल लाइट्स इस स्टेशन पे नहीं है ना तो इस साइड है न उस साइड है।, है और ये रेलवे स्टेशन जयनगर टू जनकपुर कुरथा के बीच में पाँचवा स्टॉप है स्टेशन की मैं हॉल्ट की बात कर नहीं कर रहा हॉल्ट बीच में एक दो है तो हॉल्ट को मैं स्कीप कर रहा हूँ और पब्लिक सुविधा के नाम पर तो यहाँ पर वॉशरूम तो वॉशरूम कुछ नहीं है और ये रेलवे स्टेशन भी गांव से दूर दराज है मतलब तो खेतों के बीच बना है आप देख सकते हो मैं बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ देख सकते हो ये रेलवे स्टेशन गांव से बहुत दूर अगर सामने आपको दिख रहा होगा तो ये जो घर दिख रहा है ये आपका परवाह का बाजार है और उधर चौक उधर का घर है और ये कम बादों में बनाए रेलवे स्टेशन और सामने जो दिख रहा है वो क्वार्टर्स होंगे यहाँ पे जो भी वर्कर्स होंगे उसका क्वार्टर शायद हुआ है तो चलिए क्वार्टर्स देखते हैं इनका कैसा है तो गाइज इस रेलवे स्टेशन का हालत एकदम बेकार है आप देख ही ली मेरे पीछे बिल्कुल ही बेकार रेलवे स्टेशन का हालत है पूरा तोड़ फोड़ दिया गया है देखिए यहाँ पे कहने मतलब वो कवर भी नहीं बना है कहीं पे जो बरसात वरसात में बचने के लिए होता है प्लेटफॉर्म उस पर मैंसन किया रहता है बैठने उठने के नाम पे देखिए अभी वैसे काम शायद यहाँ पे स्टार्ट हुआ था आप देख सकते हो लेकिन अभी बना नहीं है फिर पता नहीं कब होगा और बैठने वाले जो देख रहे हो ये पूरा एकदम बेकार है और पार्क पौधारोपण एक जगह मुझे दिख रहा है पीछे साइड है इधर तो कहीं है ही नहीं देखो ऐसे गड्ढे खड्ढे हो रहे हैं रेलवे स्टेशन पर शायद ये उसका है जो ऊपर कवर और रेलवे चदरा जो होता है वो डाल के बनाया जाएगा और ये देखिए ये पूरा एकदम तोड़ फोड़ दिया गया है बिल्कुल पूरा बेकार देखने में लग रहा है ये गाय इस रेलवे स्टेशन पर दरारे आ गए हैं आप देख सकते हो इसको मरहम पट्टी करा गया कहने का मतलब सीमेंट डाल के आप देख सकते हो ये दरारे दिख रहा है आपको तो ये दरारे आ गए और ये तो पूरा तोड़ फोड़ दिया गया इंटा इधर उधर बिखरा हुआ है आप देख सकते हो तो गाय जी ये यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे काम वाम टिकट टिकट विकट जो काटेंगे यहाँ पे जो काम करेंगे उसके लिए ये शायद लग रहा है मुझे उसका क्वार्टर्स बनाया है तो आपको मैं अंदर दिखाता हूँ कि कैसा है ये देख सकते हो ये बिल्कुल गंदा है उसमें ना तो खिड़की लगा है ना तो गेट लगा है पूरा ओपन है कुछ नहीं है ये और ये रेलवे स्टेशन सामने दिख रहा है आपको और इसकी कनेक्टिविटी किसी सड़क से नहीं है और ये वैसे गाँव गाँव से दूर दराज रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन पर बकरी भी चल रही है मैं जूम जूम करता हूँ देखो ये बकरियाँ जा रही हैं तो गाइज़ क्या लगता है आपको जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ पे रुकेगी स्टेशन पे आप कमेंट करके बताएं और रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए यही बताएं क्योंकि आपको तो मैंने रेलवे स्टेशन की पूरी ऑफर भी दे दी कि कैसा रेलवे स्टेशन है यहाँ का और क्या क्या कमी है क्या क्या यहाँ पे बननी बाकी है अभी और यहाँ के हमको लोकल से बात हुई है अंकल जी इन्होंने बताया कि यहाँ का जो ठेकेदार था वो बहुत ही बेकार था यहाँ पे जो काम करा है एकदम बेकार घटिया काम करा है कहने का मतलब जो भी आप ढलाई उलाई मैंने देखा है जो प्लेटफॉर्म पे जो ढाल रखा है वो उसमें दराड़े वराड़े आ गई है बिल्डिंग के बारे में बता रहा है कि ये ठेकेदार ने पूरी कहने का मतलब बेच के खा गया ऐसा कुछ कर रहते थे और वायरिंग वायरिंग और पोल वोल खम्बे वम्बे रड वड जो भी होते हैं ये सारे बेच वच के खा के भाग गए ऐसा इनका ब्लेम है कहने का मतलब तो गायज आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ और लाइक और शेयर करना ना बोले अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें तो गाइज अपनी वीडियो फेसबुक पेज पे भी डालती है अगर आपने अभी अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ फ़ेसबुक पेज से जुड़े रघु ब्लॉग्स फेसबुक पे सर्च कीजिएगा तो मिलेगा मैं ऊपर डाल दे रहा हूँ आपको दिख जाएगा कैसा है और उसको लाइक कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे भी वीडियो डालते हैं तो वहाँ भी सपोर्ट कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग तब तक के लिए बाय मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में